बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा दस की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय पाँच समांतर श्रेणियाँ भाग अट्ठारह में आज हम हल करेंगे प्रश्नावली पाँच पॉइंट चार की प्रश्न संख्या एक से पाँच तक हर एक प्रश्न का बच्चों हल आपको देखना है समझते हुए लिखना है और फिर बिना देखे खुद से हल करके देखना है आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या एक को देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है ए पी एक सौ इक्कीस एक सौ सत्रह एक सौ तेरह इत्यादि का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा तो जब भी ए पी वाले प्रश्नों में हमसे पूछा जाता है कौन सा पद होगा कैसा भी ऋणात्मक या कोई भी संख्या देकर हमसे पूछा जाए कि ये कौन सा पद होगा तब हम मानते हैं कि वो पद अभिष्ट पद कौन सा पद है वा पद है अर्थात व्यापक पद को ही हम अभिष्ट पद मान लेते हैं और फिर आगे हल करते हैं तो देखिए इस प्रश्न के हल में भी हम लिखेंगे इसी तरीके से पहले तो ए पी लिख लेंगे जो ए पी दी गई है उसे ये है 121, 117, 113 इत्यादि यहाँ यहाँ बच्चों ए का मान है 121 सौ डी का मान हो जाएगा 117 सौ सत्रह माइनस एक दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए माइनस चार आएगा हमें निकालना है सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा है तो मानेंगे क्या मानेंगे बच्चों लिखेंगे माना कि इस ए पी का सबसे पहला ऋणात्मक ऋणात्मक पद एन व पद है अर्थात ऋणात्मक कहने का मतलब ए एन का मान क्या है जीरो से कम है ए एन का मान जीरो से कम है ए एन जीरो से कम होने का मतलब है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका मान जीरो से कम है इस तरीके का संबंध बच्चों क्या कहलाता है असमी कहलाती है जैसे अगर किसी गणितीय संबंध में ये चिन्ह आता है तो बराबर का चिन्ह आता है तो हम इसे क्या कहते हैं समीकरण लेकिन अगर ये चिन्ह मिले आपको ग्रेटर देन वाला बड़े वाला छोटे वाला बड़ा या बराबर वाला छोटा या बराबर वाला ये चिन्ह मिलते हैं तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं असमी क्या बोलते हैं बच्चों असमी और असमिका को हल करते समय पक्षांतरण के जो नियम समीकरण के हैं वही क्या हैं असमिका में पक्षांतरण के नियम हैं सिवाय एक नियम के वो नियम क्या है उसे समझिए फिर हल करेंगे इसको देखिए असमिकाओं में लिख भी लीजिएगा बच्चों इसको असमिकाओं में ऋणात्मक 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 संख्या को गुणा या भाग करने पर गुणा या भाग करने पर असमीका असमीका का चिन्ह परिवर्तित यानी कि बदल जाता है परिवर्तित हो जाता है कैसे कैसे बच्चों समझिए माइनस दस लिखा है लेस देन लेस देन फाइव बोल सकता हूँ ऐसे माइनस का दस पांच से छोटा ही होता है अब आप किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दीजिए दोनों ओर। मैंने गुणा कर दिया मान लो माइनस दो से तो माइनस दो से माइनस दस को गुणा करेंगे प्लस का बीस आएगा माइनस दो को प्लस के पाँच से गुणा करेंगे माइनस का दस आएगा अब लगाइए चिन्ह बताओ बड़े का चिन्ह लगाऊं या छोटे का आप बोलेंगे सर ये इधर वाला बड़ा हो गया अब तो यानी कि ये चिन्ह जो लेस देन का था अब वो किस में बदल गया ग्रेटर देन में बदल गया मेरी बात वापस से समझिए बच्चों असमीकाओं में जब हम किसी भी संख्या को पक्षांतरित करते हैं तो सारे नियम समीकरणों जैसे ही हैं लेकिन ऋणात्मक संख्या को जब हम गुणा या भाग में पक्षांतरित करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है या यूँ कह लीजिए जब असमिका को हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो भी असमिका का चिन्ह बदल जाता है इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया है तो अब इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे कर देता हूँ रफ और हल करते हैं बच्चों आगे लिख लिया आपने इसको रोक के लिख लीजिए और फिर आगे बढ़िए बच्चों देखिए ए का और डी का मान अब हम यहाँ भर देते हैं ए का मान कितना है 121 सौ इक्कीस प्लस एन माइनस एक गुणा डी का मान है माइनस चार लेस देन जीरो ये प्लस के 121 को पक्षांतरित करेंगे एन माइनस एक गुणा माइनस चार को यहीं रखेंगे तो प्लस का 121 उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो माइनस एक अर्थात तो माइनस का अब देखिए ये इधर से उधर गया तो माइनस में माइनस हो रहा था बच्चों गुणा या भाग नहीं हो रहा था इसलिए चिन्ह वैसा का वैसा ही रखा है लेकिन जब आप यहाँ एन माइनस वन को रखेंगे और ये गुणा वाले माइनस चार को उधर पक्षांतरित करोगे तो आप बोल रहे हैं कि हम सर माइनस एक सौ इक्कीस को माइनस चार से विभाजित करेंगे ऋणात्मक संख्या का पक्षांतरित करने पर वो क्या हो रही है उधर जाके विभाजित हो रही है मैंने आपको बताया कि जब भी ऋणात्मक संख्या से विभाजित या गुणा करते हैं पक्षांतरण करने पर या वैसे भी सर्वसमिक असमिका को तो फिर बच्चों असमिका का चिन्ह बदल जाता है लेस देन का चिन्ह ग्रेटर देन में हो जाएगा यहाँ से एन का मान ग्रेटर देन ये 121 सौ इक्कीस बटे चार प्लस एक हो जाएगा क्या देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और ये प्लस का 121 सौ इक्कीस बटे चार हो जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा एन का मान 125 सौ पच्चीस बटे चार से बड़ा अर्थात जब एन का मान इकतीस पॉइंट दो पाँच से बड़ा होगा तब हमें पहला ऋणात्मक पद मिलेगा पहला ऋणात्मक पद कब मिलेगा जब n का मान इकतीस पॉइंट दो पाँच से बड़ा होगा अच्छा एन का मान क्या होता है एक प्राकृतिक संख्या इकतीस पॉइंट दो पाँच से बढ़ी ठीक बड़ी आगे गिनती में बोली जाने वाली संख्या कौन सी है बत्तीस अतः लिख देंगे अभिष्ट अभिष्ट सबसे सबसे पहला ऋणात्मक पद बराबर हो जाएगा बत्तीसवां पद कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा बच्चों बत्तीसवां पद प्रश्न संख्या एक आपने समझ लिया है पुनः हल करने का प्रयास करेंगे खुद से हल करेंगे बच्चों बिना देखे आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या दो इसमें हमसे क्या कहा गया है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग छः है और उनका गुणनफल आठ है इस एपी के प्रथम सोलह पदों का योग ज्ञात कीजिए अगर किसी ए पी के तीसरे और सातवें पद का योगफल फल छः हो और गुणनफल आठ हो तो उस ए पी के प्रथम सोलह पदों का योग आपको बताना है देखिए हल में स्टार्ट करेंगे हम समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र से लिखेंगे ए पी या समांतर श्रेणी का एन व पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इन डी इसलिए इसलिए बच्चों तीसरा पद तीसरा पद ए थ्री हो जाएगा ए प्लस टू डी तथा सातवां पद ए वो हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी कितना हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार चलिए बच्चों क्योंकि a थ्री प्लस ए सेवन हमें दिया गया है छ के बराबर ए थ्री प्लस ए सेवन किसके बराबर दिया गया है छ के बराबर तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस टू डी प्लस ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू सिक्स ए प्लस दो डी प्लस ए प्लस छ डी बराबर कितना छः देखिए ए और ए कितना हो जाएगा दो ए दो डी और छ डी कितना हो जाएगा आठ डी बराबर में कितना चल रहा है छ यहाँ से दो उभयनिष्ठ ले लीजिए हो जाएगा ए प्लस चार डी बराबर छः ये उभयनिष्ठ लिए गए दो को उधर पक्षांतरित कर दीजिए तो ए प्लस चार डी का मान आ जाएगा तीन और यहां से ए का मान हम लिख सकते हैं तीन माइनस में चार डी समीकरण संख्या एक मान कितना तीन माइनस चार डी तथा हमें दिया गया था बच्चों ए थ्री गुणा ए सेवन बराबर आठ तीसरे और सातवें पद का गुणनफल कितना आठ तीसरा पद क्या ए प्लस दो डी और सातवां पद ए प्लस छः डी बराबर आठ यहाँ से हम लिख सकते हैं ए का मान रख दीजिए तीन माइनस चार डी प्लस दो डी गुणा तीन माइनस चार डी प्लस छः डी दोनों जगह ए का मान रख दिया बराबर आठ क्योंकि हमें पता है बच्चों ए बराबर है तीन माइनस चार डी इसलिए हमने इस स्टेप से ये स्टेप प्राप्त कर ली अब ये हो जाएगा आपके पास देखिए तीन माइनस का चार डी प्लस का दो डी कितना हो जाएगा माइनस का दो डी गुणा तीन प्लस का दो डी आ जाएगा क्या माइनस चार डी प्लस छः डी प्लस का दो डी बराबर कितना आठ ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में कितना आठ देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी याद कीजिए सर्वसमिका a ए माइनस बी और ए प्लस बी के गुणनफल वाली इसका गुणनफल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैंने तीन माइनस दो डी तीन प्लस दो डी की शक्ल इससे मिला ली ए की जगह तीन बी की जगह माइनस का दो डी गुणा किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीन का स्क्वायर माइनस दो डी का स्क्वायर बराबर में आठ और ये हमें मिल गया नौ माइनस चार डी स्क्वायर बराबर आठ और यहाँ से यहाँ से देखिए बच्चों चार डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक और, और बच्चों डी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा एक बटे चार और इस वर्ग का भी पक्षांतरित कर दीजिए इधर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में एक बटे चार d का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक बटे दो डी के दो मान हमारे पास आएंगे प्लस का एक बटे दो या माइनस का एक बटे दो प्रत्येक में देख लेते हैं बच्चों स्थिति यदि d बराबर रहे माइनस एक बटे दो तब a बराबर हो जाएगा तीन माइनस चार डी डी की जगह माइनस का एक बटे दो माइनस का एक बटे दो ये हो जाएगा ए बराबर माइनस माइनस प्लस चार से दो को काट दो से चार को काटेंगे दो आ जाएगा और ए बराबर आ जाएगा पाँच तथा हमें निकालना है प्रथम सोलह पदों का योगफल लिखेंगे तथा इस ए पी के इस ए पी के प्रथम सोलह पदों का योग सोलह पदों का योग बराबर हो जाएगा एस सिक्सटीन क्योंकि बच्चों एस एन बराबर होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसलिए हम यहाँ पर एन ए और डी का मान भर के एस सोलह निकाल लेंगे हमारे पास एस सोलह बराबर आ जाएगा सोलह बटे दो दो ए A का मतलब पाँच प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी का मतलब माइनस एक बटे दो इस तरीके से और ये आ जाएगा आपके पास आठ गुणा दस माइनस पंद्रह बटे दो कैसे ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस सोलह में से एक गया पंद्रह पंद्रह को एक से गुणा करेंगे पंद्रह ही आएगा पंद्रह बटे दो माइनस का जिसकी वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसको हल कर लीजिए बटे में एक लगा लीजिए हल कर लीजिए हो जाएगा आठ गुणा बीस माइनस पंद्रह बटे दो दो से आठ को काट दीजिए या जाएगा चार ये आपको मिल जाएगा चार गुणा पाँच अर्थात एस सोलह यहाँ से आपको मिल जाएगा बीस अगर डी का मान माइनस एक बटा दो है तो ए का मान आएगा पांच और प्रथम सोलह पदों का योगफल आएगा कितना बीस अब बात करते हैं स्थिति दो की स्थिति दो यदि यदि बच्चों डी का मान हम लें प्लस का एक बटा दो तब देखिए ए का मान हो जाएगा ए का मान हो जाएगा तीन माइनस चार गुणा प्लस का एक बटे दो ये हो जाएगा तीन चार को दो से काटेंगे दो आ जाएगा तीन में से दो गया एक यहाँ से ए का मान आ गया एक अगर डी का मान प्लस का एक बटे दो है तो फिर ए का मान क्या आएगा एक आएगा तथा इस ए पी के प्रथम सोलह पदों का योगफल भी हम निकालेंगे लिखेंगे तथा इस एपी के प्रथम सोलह पदों का योग एस सोलह बराबर हो जाएगा सोलह बटे दो दो ए ए अब की बार एक प्लस सोलह माइनस एक गुणा डी अब की बार एक बटे दो वो भी प्लस का ये हो जाएगा आठ गुणा दो बटे एक लिख दूं ये हो जाएगा पंद्रह बटे दो एल्सियम लेके हल करेंगे तो आठ गुणा उन्नीस बटे दो इसको काट लीजिए चार बार उन्नीस का पड़ा चार बार बोलेंगे कितना आ जाएगा छिहत्तर दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में प्रथम सोलह पदों का योगफल आ जाएगा छिहत्तर इस तरीके से हल करेंगे बच्चों हम प्रश्न संख्या दो को आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं है एक बार फिर से देख लीजिए ए पी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन टू डी तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस टू डी सातवा पद हो जाएगा ए प्लस छ डी प्रश्न में हमें दिया गया है तीसरे और सातवें पद का योगफल ए थ्री प्लस ए सेवन बराबर छः यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगी उससे हम ए का मान निकाल लेंगे तीन माइनस चार डी आएगा फिर प्रश्न में ही हमसे कहा गया है कि गुणनफल है आठ तो ए थ्री गुणा ए सेवन बराबर आठ यहाँ पर a का मान रख देंगे हल करेंगे हमें एक समीकरण मिल जाएगी चार डी स्क्वायर बराबर एक और डी का मान यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस एक बटे दो डी का मान माइनस एक बटे दो लेते हो तो a का मान 5 आता है और सोलह पदों का योगफल आ जाएगा बीस डी का मान प्लस का एक बटा दो लेते हो तो a का मान आता है एक और प्रथम सोलह पदों का योगफल आ जाता है छिहत्तर प्रश्न संख्या दो आपको इस तरीके से हल करनी है बच्चों फिर से अभ्यास करेंगे खुद से हल करेंगे बिना देखे कई बार हल करेंगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए प्रश्न संख्या तीन इसमें क्या कहा गया है हमसे पहले उसकी चर्चा करते हैं एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं देखिए आकृति देखिए हमें बोला गया है कि इस प्रश्न में हमसे बोला गया है कि एक सीढ़ी है जिसके क्रमागत डंडे यानी कि कोई भी दो डंडों के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर ये इस प्रकार की सीढ़ी है जिसके कोई भी दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर फिर आगे हमसे कहा गया है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर देखिए ये जो सबसे निचला डंडा है इसकी जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाला जो डंडा है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर कितनी है 25 सेंटीमीटर हमसे ये भी कहा गया है कि ये जो लंबाई है एक समान रूप से घटती जाती है अर्थात हम प्रत्येक बार इस 45 में से कुछ ना कुछ एक समान लंबाई कम करते जाते हैं देखिए कैसे मान लीजिए हमने सबसे नीचे लगा दिया 45 सेंटीमीटर लंबाई वाला डंडा जैसा कि प्रश्न में दिया गया है फिर इसके ऊपर वाला जो डंडा लगाया वो इससे एक्स सेंटीमीटर कम करके लगाया तो उसके भी ऊपर वाला जब आप डंडा लगाओगे तो एक और बार आपको x कम करना पड़ेगा अर्थात अब की बार जो डंडे की लंबाई होगी वो 45 माइनस दो सेंटीमीटर होगी फिर 45 माइनस तीन सेंटीमीटर होगी ये x का मान कुछ भी हो सकता है ऐसे लंबाई कम करते जाएंगे और सबसे ऊपर वाला डंडा आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर अब जरा इन लंबाइयों की सूची पर भी चर्चा करते चलते हैं फिर वापस प्रश्न पे आएंगे 45, 45 माइनस एक्स पैंतालीस माइनस दो एक्स पैंतालीस माइनस तीन एक्स और इस तरीके से एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है 45 में वो निश्चित संख्या क्या है माइनस क्या एक्स माइनस एक्स को 45 में जोड़कर या मैं कह सकता हूं एक्स को 45 में से घटाकर अगले अगले डंडे की लंबाई पता की जा रही है और अंतर सबका क्या है समान है एक्स ही है एक समान लंबाई में आपको घटाना है तो ये जो लंबाइयाँ आएंगी बच्चों वो क्या बनाएगी ए पी बनाएगी इस कंसेप्ट को ध्यान में दे लेना कि ये जो लंबाइयाँ हैं डंडे की वो एक ए पी बनाएगी जिसका कि पहला पद ए होगा पैंतालीस और जिसका कि आखिरी पद एल होगा पच्चीस इतनी बात समझ में आ गई वापस आ जाइए प्रश्न पर हमसे कहा गया है आगे यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी दो सही एक बटे दो मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी इस सीढ़ी के अगर सबसे निचले और सबसे ऊपर वाले डंडे के बीच की दूरी दो सही एक बटे दो मीटर हैं तो फिर इन डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी हमें ये पता करना है कैसे पता करेंगे सीधी सी बात है बच्चों हम क्या करेंगे हर एक डंडे की लंबाई निकाल लेंगे हर एक डंडे की लंबाई निकाल लेंगे और फिर जोड़ लेंगे अर्थात इन सारे डंडों की लंबाइयों का योगफल हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए वही हमारी क्या होगी अभिष्ट अभिष्ट लकड़ी की लंबाई होगी जितनी लंबी लकड़ी हमें चाहिए वो लंबाई हमारे पास कैसे आएगी सभी डंडों की लम्ब लकड़ी जो सभी डंडों की में जो लकड़ी लगी है उसकी लंबाई का योगफल हमें ज्ञात करना है अब ध्यान दीजिएगा अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इस सीढ़ी में आखिर कितने डंडे लगे हैं तो हमसे हमसे कहा गया है कि इन आखिरी वाले आखिरी वाले और सबसे ऊपर वाले डंडे के बीच की दूरी है दो सही एक बटे दो मीटर दो सही एक बटे दो मीटर का अर्थ हो गया 250 सेंटीमीटर और फिर देखिए बच्चों हमसे ये भी कहा गया था कि इन डंडों के बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है आइए 25-25 सेंटीमीटर दूरी पर डंडे रखते चलते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये डंडे आखिर हैं कितने देखिए ये तो सबसे निचला मतलब जीरो सेंटीमीटर पे, फिर अगला 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे फिर अगला 50 सेंटीमीटर फिर उससे अगला पिचहत्तर उससे अगला 100 सेंटीमीटर पर फिर 125 सेंटीमीटर पर होगा फिर 150 सेंटीमीटर पर फिर एक सेंटीमीटर पर फिर 200 सेंटीमीटर पर फिर 225 सेंटीमीटर पर और ये सबसे ऊपर वाला 250 सेंटीमीटर पर देख लीजिए इस तरीके से डंडे रखेंगे तब इन दो इन सब डंडों के बीच की क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर रहेगी सबसे निचले और सबसे ऊपर वाले के बीच की दूरी कितनी है ज़ीरो से दो सेंटीमीटर का मतलब हो गया दो से ही एक बटा मीटर अब ये डंडे कितने हैं गिन के बता सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह लेकिन यहाँ तो कम ही डंडे थे अगर कोई बड़ी सीढ़ी हो तो कैसे डंडे गिनोगे तब भी क्या चित्र बनाओगे नहीं ना तो डायरेक्ट कैसे गिनेंगे उसको समझिए ये एक तो है जो जीरो सेंटीमीटर पर रखा है अब 250 सेंटीमीटर पे कितने रखे जा सकते हैं 25 25 के गेप पे तो 250 में भाग लगा दीजिए जितने का गेप है और एक में जोड़ लीजिए एक प्लस दस कितना आ जाएगा ग्यारह अब हमें इन ग्यारह डंडों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है उनको योग करना है और बता देना है कि हमें कितनी लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी प्रश्न का जो आधार था जो ढांचा था जो इसकी आत्मा थी बच्चों वो मैंने आपको बता दी है आइए अब इसको हल करते हैं देखिए लिखेंगे कैसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हल में लिखेंगे हम देखिए सबसे पहले क्योंकि सी के क्रमागत डंडों के बीच की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर तथा सबसे ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी वो है दो सही एक बटे दो मीटर अर्थात दो सौ पचास सेंटीमीटर इसलिए सीढ़ी में सीढ़ी में लगे डंडों की डंडों की संख्या डंडों की संख्या वो हो जाएगी एक प्लस दो सौ पचास बटे पच्चीस एक प्लस दस अर्थार्थ ग्यारह एक प्लस दस अर्थार्थ ग्यारह ठीक है ना तो ग्यारह डंडे लगे हैं हमें याद करनी है इन ग्यारह डंडों की लंबाई तो देखिए बच्चों यहाँ एक और चीज़ क्योंकि सीढ़ी के इन ग्यारह 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 डंडों की डंडों की लंबाइयाँ, लंबाइयाँ एक समान रूप से लिखेंगे बच्चों एक समान रूप से घटती जाती है। आते हैं आते है एक समान रूप से घटती जाती हैं 45 45 माइनस एक्स पैतालीस माइनस दो एक्स इस तरीके से पच्चीस तो ये क्या बनाएंगी तो ये लंबाइयाँ एक ए पी बनाएगी अतः है ये लंबाइयाँ ये लंबाइयाँ एक ए पी बनाएगी एक ए पी बनाएगी जिसमें जिसमें बच्चों प्रथम पद ए का मान होगा 45, अंतिम पद एल का मान होगा पच्चीस तथा पदों की संख्या एन बराबर होगा ग्यारह हमें ज्ञात करनी है इन सारे पदों का योगफल अर्थात अब हम ज्ञात कर सकते हैं सीढ़ी में लगे ग्यारह डंडों की कुल लंबाई अब लिख देंगे सीढ़ी में लगे इन ग्यारह डंडों की कुल लंबाई बराबर एस ग्यारह है ना प्रथम ग्यारह पदों का योगफली तो निकालना है क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल ये हो जाएगा यहाँ से एस ग्यारह बराबर ग्यारह बटे दो ए प्लस एल ये हो जाएगा ग्यारह बटे दो गुणा पैंतीस सत्तर आ जाएगा सत्तर आ जाएगा सत्तर को दो से काट दीजिए बच्चों ये आ जाएगा पैंतीस पैंतीस को ग्यारह से गुणा कर लीजिए तीन सौ सेंटीमीटर आ जाएगा माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेशन चलती रहती है पैंतालीस प्लस पच्चीस सत्तर हो गया पैंतीस आ जाएगा दो से काटने पर फिर पैंतीस गुणा ग्यारह करोगे तीन सौ सेंटीमीटर आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों तीन पॉइंट आठ मीटर मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे तीन पॉइंट आठ मीटर प्रश्न संख्या तीन आसान है लेकिन आत्मा को प्रश्न की आत्मा को समझना ज़रूरी है ये जितना भी डिस्कशन मैंने किया है आपके साथ इसको अगर आपने समझ लिया तो ये हल तो आप आसानी से समझ जाएंगे कितनी कितना आ जाएगा योगफल एस ग्यारह तीन पॉइंट आठ पांच ठीक है तो लिख देंगे अंत में अतः अभिष्ट अभिष्ट लकड़ी की लंबाई चाहे तो आप सेंटीमीटर में बता दीजिए तीन सौ पिचासी सेंटीमीटर या मीटर में बता दीजिए तीन पॉइंट आठ पांच मीटर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किसी भी आप एक मात्रक पद्धति में एक मात्रक में लकड़ी की लंबाई बता सकते हैं बात एक ही है तीन सौ पिचासी सेंटीमीटर कह दीजिए या तीन पॉइंट आठ पाँच मीटर कह दीजिए समझ में आ गया चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या चार को देखते हैं प्रश्न संख्या चार इसमें हमसे कहा गया है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या एक से उनचास तक अंकित किया गया है एक लाइन में जो मकान है एक जो लाइन में जो मकान बने हैं उन पर अंकित कर दिया गिनती एक से लेकर उनचास तक की ठीक है फिर हमें क्या करना है दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है तो फिर x का मान ज्ञात करना है हमें x का एक ऐसा मान ज्ञात करना है कि x से पहले जो मकानों की संख्याएं अंकित है उनका योगफल किसके बराबर होना चाहिए x के बाद वाले मकानों की संख्याओं के योगफल के अब इसको चित्र में समझेंगे प्रश्न की आत्मा को समझेंगे प्रश्न का जो निचोड़ है इसके अंदर जो बात है कंसेप्ट है उसको पहले समझेंगे फिर हल करेंगे बच्चों देखिए चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ एक पंक्ति है उसके अंदर गली है गली में इस तरीके के मकान बने हुए हैं ठीक है और ये बहुत मकान बने हुए हैं इस तरीके से लेकिन हमने लिए हैं उनचास मकान और उन पर लिख दिया है एक दो तीन चार इस तरीके से करते करते अंतिम जो है ये उनचास हुआ इससे पहले वाला अड़तालीस हमें दर्शाना क्या है कि इन मकानों की जो है संख्याएं अंकित हमने की हैं इन संख्याओं में एक संख्या x ऐसी है इन संख्याओं कौन सी संख्याओं एक दो तीन ये जो मकान नंबर हम डाल रहे हैं तीन इत्यादि इनके बीच में कहीं x एक ऐसा नंबर है अड़तालीस उनचास है ना इन उनचास मकान जो संख्याएं हैं मकानों की जो संख्याएं हैं उनके बीच में ठीक बीचों बीच नहीं कहीं पे भी हो सकता है वो यहाँ तीन एक्स का मान तीन भी हो सकता है अड़तालीस भी हो सकता है तीस भी हो सकता है पैंतीस भी हो सकता है कितना भी हो सकता है लेकिन ये एक्स एक, एक ऐसी मकान संख्या है कि इस एक्स से पहले जितने भी मकान हैं उन मकान संख्याओं का योगफल x के बाद वाली मकान संख्याओं के योगफल के बराबर है ये तो हमें प्रश्न में कहा गया है और x का मान हमें ज्ञात करना है ये हमारी समस्या है हमें बता करना है कि ये x का मान क्या है कि इससे पहले वाली मकान संख्याओं का योगफल इसके बाद वाली मकान संख्याओं के योगफल के बराबर रहे अब ध्यान दीजिएगा बच्चों जब हम ये मकान संख्या लिख रहे हैं तो एक चीज भूल रहे हैं क्या कि ये एक प्राकृतिक संख्याएं हैं एक दो तीन चार और इस तरीके से जब चलते हैं तो जब यहाँ कहीं एक्स आता है तो ज़रूर इसके पहले एक्स माइनस एक ही आया होगा और इसके बाद में एक्स प्लस एक आया होगा और ऐसे चलते चलते हमें कहीं अड़तालीस और उसके बाद में कहीं उनचास मिला होगा है ना और ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं ए पी हैं ये बात भी ध्यान दीजिए ये जो संख्याएं हैं ए पी हैं ए पी हैं समांतर श्रेणी में हैं क्यों क्योंकि इनका जो पहला पद है वो एक है और अगले जो पद हैं वो एक निश्चित संख्या डी सार्वंतर कितना है एक एक जोड़कर प्राप्त किए जा रहे हैं है ना ए पी है और जो x मकान संख्या है उससे पहले वाले मकान का नंबर क्या होगा x माइनस एक अच्छा मेरे को ये बता दीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने मकान हैं तीन मकान संख्या है तो तीन ही मकान है पदों की संख्या तीन है अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ तक मैं पदों की संख्या एन का मान है एक्स माइनस एक आई बात समझ में अगर मैं बच्चों x तक लूंगा देखिए ध्यान से समझिएगा हर एक बात को समझिएगा तब आके जाके ये प्रश्न आपको समझ में आने वाला है अगर मैं x तक लूं तो n का मान इस केस में कितना है x? अगर हम मकान संख्या x से पहले तक का योग निकालना चाहते हैं हमें कहा गया ना x से पहले वाली मकान संख्याओं का योगफल x के बाद वाली मकान संख्याओं के योगफल के बराबर है तो हमें ज्ञात करना होगा x माइनस एक पदों का योगफल अर्थात हमें इन मकानों की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए x s x माइनस एक निकालना होगा और इसके बाद वाले x के बाद वाले कौन ये इनका योगफल कैसे निकालेंगे बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा इनका योगफल हम निकालेंगे इस पूरे का योग कर लेंगे पूरे के योग में से सब का योग कर लेंगे मतलब एस फोर्टी नाइन निकाल लेंगे उसमें से एक्स तक का हटा लें सबके योग में से X तक का मैं हटा लूं इधर वाला हटा लूं तो ये बच जाएगा क्या कहने का मतलब ये है S 49 सारी मकान संख्याओं के टोटल में से अगर X तक की मकान संख्याओं का टोटल हम घटा लेंगे तो x के बाद वाली मकान संख्याओं का योग आ जाएगा और x के बाद वाली मकान संख्याओं का योग हमें दे रखा है x के पहले वाली मकान संख्याओं के योगफल s x एक्स माइनस एक के कहानी समझ में आ गई क्या देखिए प्रश्न को एक बार वापस से पढ़ लीजिए आप और फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा एक पंक्ति है एक गली है जिसमें मकान संख्याएं ऐसी हैं एक दो तीन बीच में कहीं एक एक्स एक और ये लास्ट में उनचास हमसे कहा गया एक्स से पहले तक वालों का टोटल एस एक्स माइनस एक एक्स के बाद वालों के टोटल के बराबर है अच्छा एक्स के बाद वाले का टोटल हम कैसे निकालेंगे पूरे में से एक्स तक का टोटल घटा देंगे एक्स के बाद वाले मकान संख्याओं का योग एक्स से पहले मकान संख्याओं का योग और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं योगफल फल एस एन कैसे निकालते हैं एस एन हम निकालते हैं एन बाई टू ए प्लस एल करके या हम लगा देते हैं एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी करके अब देखिए यहाँ तक का एस एस एक्स माइनस वन का मतलब हो गया एक्स माइनस वन तक का योग तो अंतिम पद हमें पता है उनचास तक का यहाँ पर भी अंतिम पद हमें पता है एक्स तक का योगफल निकालना है तो भी अंतिम पद हमें पता है तो इस प्रश्न को हल करेंगे हम इस सूत्र की सहायता से जब हम योगफल निकालेंगे पर पहले आपको कहानी समझ में आनी चाहिए मकान बीच में कहीं एक, एक मकान संख्या एक्स उससे पहले तक वालों का टोटल उसके बाद तक वालों के उसके बाद वाले सभी मकान संख्याओं के टोटल के बराबर पहले तक का हम निकालेंगे एस एक्स माइनस वन बाद वालों का इम्पोर्टेंट है कैसे निकालेंगे सब में से एक्स तक का टोटल घटा लेंगे अब देखिए बच्चों इस प्रश्न को हल करूंगा मैं सिस्टमेटिक हल करूंगा लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहाँ कौन सी बात मैंने आपको पहले समझाई थी और उसको अब कैसे अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है ना तो देखिए हल में हम लिखेंगे हल हल में बच्चों हम लिखेंगे क्योंकि प्रश्नानुसार एस एक्स माइनस वन बराबर है एस फोर्टी नाइन माइनस एस एक्स जहाँ मैं बोल रहा हूँ जहाँ एस एक्स माइनस एक तो क्या है ये तो है बच्चों मकान संख्या मकान पर जो संख्या अंकित है वो मकान संख्या x से पहले वाले मकानों x से मकान संख्या x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग अर्थार्थ अर्थार्थ एस एक्स माइनस एक क्या है एक से लगाएंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार कहाँ तक बच्चों एक्स से पहले वाला हो जाएगा एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक तक का टोटल ए पी है क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल तो यहाँ से एस एक्स माइनस वन हो जाएगा एन एन का मतलब कितने पद हैं जितने पद हैं वो एक्स एक दो तीन चार कितने पद हैं एक्स माइनस एक बटे दो ये तो एन बाई टू हो गया ए ए कितना है एक एल अंतिम पद कौन सा है एक्स माइनस एक ये हो जाएगा बच्चों देखिए प्लस का एक माइनस का एक कट गया एक्स माइनस एक बटे दो और ये गुणा में एक्स किसका मान एक्स से पहले तक के मकान संख्याओं का योगफल मकान संख्या x से पहले तक वाले मकानों की संख्याओं का योगफल फल एस एक्स माइनस एक आ जाएगा x माइनस एक बटे दो गुणा एक्स फिर हम निकालेंगे एस उनचास एस उनचास ये क्या है सभी मकान संख्याओं, संख्याओं का योग अर्थात एस फोर्टी नाइन है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस इत्यादि करते हुए उनचास तक ये हो जाएगा एन बटे दो ए प्लस एल एल कितना उनचास ये हो जाएगा उनचास बटे दो गुणा पचास अर्थात उनचास गुणा पच्चीस इसको यहीं रखने दीजिए रहने दीजिए बच्चों बाद में आपके काम आ जाएगा यह आसान है इतना छोड़ दीजिए एस फोर्टी नाइन आपको मिल गया सारे मकान संख्याओं का योगफल उनचास गुणा पच्चीस ठीक है फिर तथा एस एक्स माइन तथा एस एक्स का भी मान निकाल लीजिए एस एक्स का अर्थ क्या है मकान संख्या x तक के मकानों मकानों की संख्याओं का योग x तक की मकानों की संख्याओं का योग एस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस कहाँ तक की का योग करना है मकान संख्या एक्स तक के का कैसे करेंगे वही एन बाई टू ए प्लस एल अर्थात ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बटे दो गुणा एक्स प्लस एक एक प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक भी अब देखिए हमारे को पता है हमारे को क्या पता है बच्चों एस एक्स माइनस एक अर्थात ये बराबर है एस फोर्टी नाइन माइनस एस एक्स ठीक है तो इसमें इन दोनों के मान रख दीजिए इनफैक्ट तीनों के ही मान रख दीजिए बच्चों हमें मिल जाएगा देखेंगे अतः है अतः है बच्चों एस एक्स माइनस एक बराबर एस फोर्टी नाइन माइनस एस एक्स से एक्स माइनस एक बटे दो गुणा एक्स बराबर हो जाएगा उनचास गुणा पच्चीस माइनस एक्स बटे दो गुणा एक्स प्लस एक इस माइनस वाले को इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा एक्स माइनस एक बटे दो गुणा एक्स प्लस ये आ जाएगा आपके पास एक्स बटे दो गुणा एक्स प्लस एक बराबर में उनचास गुणा पच्चीस चल ही रहा है देखिए बटे में दो कॉमन आ जाएगा एक्स भी कॉमन आ जाएगा तो एक्स बटे दो कॉमन आ गया इसके पास से बच गया एक्स माइनस एक एक्स और बटे वाला दो तो कॉमन आ गया इधर भी एक्स और बटे वाला दो कॉमन आ गया यहां बच जाएगा एक्स प्लस एक इधर उनचास गुणा पच्चीस हर एक स्टेप को ध्यान ध्यान से करते रहिएगा बच्चों यहाँ से ये और इससे ये ये माइनस का एक ये प्लस का एक कैंसिल एक्स और एक्स क्या हो जाएगा दो एक्स दो एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर बटे दो और बराबर में चल रहा है उनचास गुणा पच्चीस अब देखिए दो से दो कट गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आ गया उनचास गुणा पच्चीस ये स्क्वायर को उधर पक्षांतरित करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट उनचास गुणा अब रूट निकाल दीजिए एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस सात गुणा पांच अर्थात एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस पैंतीस अच्छा एक्स क्या था मकान संख्या और मकान संख्या हमने कैसी अंकित की थी एक दो तीन चार पांच उनचास तक अर्थात उसमें माइनस की संख्या तो नहीं थी ना तो एक्स का मान माइनस पैंतीस नहीं ग्रहण करेंगे एक्स का मान सिर्फ क्या लेंगे प्लस का पैंतीस और लिख देंगे अतः अतः है एक्स बराबर पैंतीस हमें याद करना था कि वो मकान संख्या एक्स कौन सी है जिसके पहले तक के यानी कि चौतीस मकानों एक से लेकर चौतीस तक का योगफल किसके बराबर होगा पैंतीस से बाद वाले छत्तीस से लेकर उनचास तक वाली मकान संख्याओं के योगफल के बराबर होगा अबिष्ट x आपको मिल जाएगा 35 इस तरीके से हल कर लीजिएगा बच्चों हर एक चीज़ को समझा दिया है मैंने ये आत्मा समझा दी है प्रश्न की सब कुछ तो समझा दिया है और फिर हल लिखेंगे कैसे ये भी मैंने आपको बताया है प्रश्न को देखिए वापस से देखिए वापस से हल करने का प्रयास कीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत ज़रूर है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि ये है हमारे प्रश्नावली पाँच पॉइंट चार का प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या हमारे पास चार तो इस ये डिजर्व करता है बच्चों ऐसा प्रश्न है जो मान मांगता है कि आपको इसको थोड़ा तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बाकी प्रश्नों से ठीक है ना तो देख लीजिए हल देख लीजिए हल कर लीजिए वापस से फिर से अगर नहीं आता है तो फिर से वीडियो देखिए फिर से हल करने का प्रयास कीजिए एक्स का मान आ जाएगा पैंतीस अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न संख्या पाँच एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है एक फुटबॉल का मैदान है उसमें एक ऐसा चबूतरा बना हुआ है देख लीजिए जिसमें पंद्रह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पंद्रह इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है ठोस कंक्रीट से बनी हुई है 15 की 15 सीढ़ियाँ प्रत्येक सीढ़ी में एक बटे चार मीटर की चढ़ाई है एक सीढ़ी अगली सीढ़ी एक बटे चार मीटर ऊंची है फिर और एक बटे चार मीटर ऊंची है फिर अगली और एक बटे चार मीटर ऊंची है बच्चों और फिर एक बटे दो मीटर फैलाव है ये तो हो गई पचास मीटर तो पचास मीटर तो कितनी लंबी पचास मीटर लंबी एक बटे दो मीटर चौड़ी एक बटे दो मीटर चौड़ी और ऊंची कितनों बच्चों ऊंची है एक बटे चार मीटर देखिए आकृति में जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है पंद्रह सीढ़ियां हैं कितनी लंबी है पचास मीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है एक बटे चार मीटर एक सीढ़ी चौड़ी कितनी है एक बटे दो मीटर हमें करना क्या है इनका देखिए इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन प्रकलित कीजिए परिकलित कीजिए बच्चों आपको आयतन परिकलित करके दिखाना है आयतन की गणना करके दिखानी है इन सीढ़ियों को बनाने में कितना आयतन काम में आया तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं हम मैं निकालूंगा सबसे पहले ये जो सबसे निचली सीढ़ी है ये वाली इसका आयतन तो सबसे निचली सीढ़ी के लिए देखो पहले इस प्रश्न को समझ लो फिर हल करेंगे अच्छे से भी लिखेंगे बच्चों सबसे निचली सीढ़ी की अगर हम बात करें निचली सीढ़ी का अगर मैं आयतन निकालूं तो यह हो जाएगा इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अच्छा लंबाई तो पचास चौड़ाई हमें पता है एक बटे दो मीटर पहली सीढ़ी की ऊंचाई तो एक बटे चार मीटर रहेगी तो सबसे निचली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी का आयतन ये मीटर क्यूब अच्छा दूसरी का कैसे निकालेंगे दूसरी सीढ़ी या सेकंड सीढ़ी जो है उसके लिए देखिए उसको ध्यान से समझिएगा बच्चों लंबाई वही पचास फैलाव फैलाव वही चौड़ी एक बटा दो लेकिन ऊंचाई अब की बार ये ऊंचाई क्या हो जाएगी एक बटे दो और एक बटे दो भाई दूसरी सीढ़ी बनाने के लिए पहली के बराबर में आपको बनानी पड़ेगी उतनी ही एक ऊंची भी बनानी पड़ेगी सोच के देखिए आ गया ना समझ में एक बटा चार ऊपर तक बनेगी वो इसका मतलब इसमें एक बटा चार और एक बटा चार दो एक बटा चार दो गुना एक बटे चार दो गुनी वो की वो होगी पहली सीढ़ी की ऊंचाई एक बटे चार फिर चढ़ाई कितनी है एक बटे चार तो इसका मतलब वो एक बटे चार और ऊंची होगी तो ये दूसरी सीढ़ी का आयतन हो जाएगा अच्छा तीसरी का तीसरी का आयतन हो जाएगा वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लेकिन अब ये तीन गुणा एक बटे चार ऊंचाई की हो जाएगी ऐसे करते करते जब मैं पंद्रहवीं सीढ़ी की आयतन निकालूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई सेम लेकिन ऊंचाई पंद्रह गुणा एक बटे चार अच्छा तो हमने तो सारी सीढ़ियों का अलग अलग आयतन निकाल लिया फिर करना क्या है हमें इस चबूतरे में कितना कंक्रीट लगा है उसका आयतन निकालना है तो जितनी सीढ़ियों में जितना लगा है उतना ही चबूतरे में लगा है टोटल कर लीजिए सारी सीढ़ियों का और फिर बता देंगे हल को लिखेंगे कैसे आइए उसकी चर्चा करते हैं देखिए हल संख्या प्रश्न संख्या पाँच इसमें हम लिखेंगे प्रथम सीढ़ी का आयतन वो हो जाएगा पचास गुणा एक बटे दो गुणा एक बटे चार क्योंकि सीढ़ी क्या होती है घनाब और घनाब का आयतन होता है घनाब का आयतन सीढ़ी की जो शेप है बच्चों उसके बारे में विचार कीजिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और अगर मैं देखूं नीचे से जो पहली सीढ़ी है नीचे से जो पहली सीढ़ी है उसकी लंबाई है पचास चौड़ाई है एक बटे दो और पहली सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है एक बटे चार तो आयतन ये हो जाएगा इसी प्रकार इसी प्रकार सेकंड सीढ़ी सीढ़ी का आयतन वो हो जाएगा उसकी भी लंबाई ये पचास चौड़ाई एक बटे दो ऊंचाई दो गुणा एक बटे चार और ये सब बच्चों किस में हैं मीटर क्यूब में किस में हैं मीटर क्यूब में तीसरी सीढ़ी थर्ड सीढ़ी का आयतन तीसरी सीढ़ी का जो आयतन होगा वो होगा पचास गुणा एक बटे दो गुणा गुणा कितना बच्चों तीन गुणा एक बटे चार अब जो ऊंचाई होगी वो एक बटे चार चढ़ाई एक बटे चार मीटर बढ़ती जाएगी हर एक सीढ़ी के लिए लंबाई और चौड़ाई समान रहेगी ये तीसरी सीढ़ी का आयतन और इस तरीके से अतः अतः प्रत्येक सीढ़ी के आयतनों की सूची जो हमें हमें प्राप्त होगी जो हमें प्राप्त होगी एक एपी बनाएगी एक एपी बनाएगी जो सूची आपको प्राप्त होगी वो एक एपी बनाएगी कैसे इधर देखिए ये है पचास गुणा आ, ये राह पचास को इससे काटेंगे कितना जाएगा पच्चीस पच्चीस बटे चार पहली सी डी फिर फिर इसका दो गुना देखिए इसको काट लीजिए दो से ये हो गया पचास बटे चार एक और पच्चीस बटे चार हमने इसमें जोड़ दिया फिर ये हो जाएगा पिचहत्तर बटे चार देखिए दो से इसको काट लेंगे पच्चीस पच्चीस थी 75 75 बटे चार फिर आगे आएगा सौ बटे चार तो जो सूची हमें मिल रही है उसमें सब में अंतर कितना है पच्चीस बटे चार का अंतर चल रहा है तो यहाँ आयतनों की जो सूची हमें प्राप्त होगी वो एक ए पी बनाएगी जिसमें हम लिख लेंगे ए डी और एल का मान जिसमें ए प्रथम पद तो हो जाएगा पचास गुणा एक बटे दो गुणा एक बटे चार अर्थात बच्चों ये हो जाएगा पच्चीस बटे चार डी डी का मान भी हो जाएगा देखो पचास गुणा एक बटे दो गुणा दो गुणा एक बटे चार इसमें से हम घटा लेंगे पहले पद को पचास गुणा एक बटे दो गुणा एक बटे चार को तो ये आपको मिला था पचास बटे चार उसमें से पच्चीस बटे चार घटाओगे तो आ जाएगा पच्चीस बटे चार वैसे इस डी को परिकलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें पता है एन कितनी सीढ़ियाँ हैं पंद्रह हमें पता है एल एल का मान आ जाएगा पचास गुणा एक बटे दो गुणा पंद्रह गुणा एक बटे चार आयतन हो जाएगा पचास गुणा एक बटे दो गुणा पंद्रह बटे चार इससे काट लीजिए इसको पच्चीस बार पच्चीस को इससे गुणा कर लीजिए आ जाएगा पंद्रह पाँच पिचहत्तर हासिल सात पंद्रह दूनी सात पंद्रह दूनी तीस और सात सैतीस बटे चार मीटर क्यूब यह हो जाएगा आपके पास अंतिम सीढ़ी का आयतन एल का मान अब कितना लगा चबूतरे में कंक्रीट उसके लिए हम इन सारी सीढ़ियों इन सारी सीढ़ियों के आयतनों का योग करने वाले हैं तो लिखेंगे अब चबूतरे बूतरे में लगे कंक्रीट कंक्रीट का आयतन वो हो जाएगा पच्चीस बटे चार प्लस पचास बटे चार प्लस पिचहत्तर बटे चार सारे आयतनों को जोड़ लीजिए अंत में तीन सौ पिचहत्तर बटे चार अर्थार्थ ए एन एन कितना पंद्रह बटे दो एन बाई टू एस एन का सूत्र क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल ए कितना पच्चीस बटे चार एल कितना तीन सौ पिचहत्तर बटे चार ये आपको मिल जाएगा कितना बच्चों पंद्रह बटे दो गुणा चार सौ बटे चार ये कहाँ से आया था क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल वहाँ से मैंने ये लिख दिया अच्छा चार से इसको काटेंगे सौ बार कट जाएगा दो से इसको काटेंगे पचास बार कट जाएगा पंद्रह को पचास से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा सात सौ पचास मीटर क्यूब कंक्रीट का आयतन मिल जाएगा सात सौ पचास मीटर क्यूब इस प्रश्नावली में जो भी सवाल है बच्चों पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा अटेंशन मांगते हैं पाँच पॉइंट तीन तक के जो सवाल थे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी आसान थे रेस्पेक्टिवली इनसे इनसे थोड़े आसान थे इन प्रश्नों को हल करते समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होना है हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है फिर से अभ्यास तो करना ही आपको है बच्चों इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों हमारा अध्याय पाँच मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और अध्याय के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए खुश रहिए बच्चों धन्यवाद